हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन टुडे सेशन। आज के सेशन में हम करने वाले हैं इंग्लिश पैडागोजी के कुछ क्वेश्चंस जो कि बेस्ड है टॉपिक लर्निंग एंड एक्विजिशन के ऊपर। जैसे कि लास्ट सेट में हमने किया था 1 से लेकर 20 तक के कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो उसके आगे के क्वेश्चन आज हम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जिन्होंने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा था जिसके अंदर 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन दिए गए थे, तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक भी डाल दी जाएगी, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके वो वाले वीडियो भी देख सकते हैं। ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा 21st क्वेश्चन। विच लर्निंग इंग्लिश एज अ वाई लर्निंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। जब हम इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं तब क्या होना चाहिए कि देयर इज़ अ नो रोल ऑफ मदर टंग इन लर्निंग L2। क्या उसमें मदर टंग का कोई रोल नहीं होता है, यानी कि जो हमारी मातृभाषा है उसका कोई रोल नहीं होता है। सेकेंड क्वेश्चन है द यूज़ ऑफ मदर टंग विल फैसिलिटेट लर्निंग। मतलब कि जब हम मदर टंग का यूज़ करते हैं, यानी कि जब हम मातृभाषा का यूज़ करते हैं, तो वो सपोर्ट करती है लर्निंग को, या फिर द यूज़ ऑफ मदर टंग विल क्रिएट इंटरफेरेंस। मतलब कि मदर टंग का यूज़ करना इंटरफेरेंस क्रिएट करता है, यानी कि थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है हमारी लर्निंग को सीखने में, यानी कि इंटरफेरेंस को उसको एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, या फिर ये डी ऑप्शन है कि द मदर टंग शुड नॉट बी यूज्ड बाय लर्नर्स। मतलब कि हम क्या बैन ही कर दिया जाता है, मतलब कि उसमें ऐसा है कि फोर्थ ऑप्शन बोलना चाहता है कि उसको पर्टिकुलर बैन ही कर दिया जाता है कि हमें यूज़ करना ही नहीं चाहिए मदर टंग का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है आंसर सेकेंड, द यूज़ ऑफ मदर टंग विल फैसिलिटेट लर्निंग। मतलब कि जो हमारी मदर टंग का अगर हम यूज़ करके किसी भी इंसान को L2 मतलब किसी भी स्टूडेंट को इंग्लिश सिखा रहे हैं एज अ सेकेंड लैंग्वेज, तो वो क्या करती है, हमें हेल्प करती है सिखाने में। जैसे कि अभी आपको इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश पैडागोजी का हमारा सेशन चल रहा है Grade 2 का, जिसमें आपको ये पैडागोजी आने वाली है, तो उसमें क्या कर रहा है कि मैं आपको हिंदी में सिखा रही हूँ, चीज़ें हिंदी में बोलकर सिखा रही हूँ, तो ये आपको क्या कर रही है, हेल्प कर रही है अंडरस्टैंड करने में। या फिर मैं अगर पूरा आपको एज ए इंग्लिश में सिखाती तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको लर्न नहीं होती, अच्छे से समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है ये इंग्लिश में। तो इसलिए क्या कर रही है कि ये हिंदी आपको हेल्प कर रही है सेकेंड लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। ओके, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन B। 22 क्वेश्चन है हमारा, इन द प्राइमरी क्लासेस इट इज़ रिकमेंडेड दैट चिल्ड्रन शुड बी टॉट इन देयर मदर लैंग्वेज। मतलब कि प्राइमरी क्लासेस में ऐसा रिकमेंडेड किया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि टीचर को कि आपको मदर टंग का यूज़ करना चाहिए पढ़ाते टाइम। तो क्यों कहा जाता है ऐसा, उसके पीछे का रीज़न क्या होता है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए कि इट क्रिएट फनी इन्वायरमेंट। कैसे फ़नी इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, इसलिए आपको बोला जाता है कि आप मदर टंग का यूज़ करिए। सेकेंड ऑप्शन है चिल्ड्रन डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, कैसे चिल्ड्रन के अंदर जो बच्चे होते हैं उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। थर्ड ऑप्शन है इट प्रमोट रीजनल लैंग्वेज, क्या रीजनल लैंग्वेज का प्रमोशन कर रहे हैं कि नहीं, आपकी ये लैंग्वेज है मदर टंग तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप उसका प्रमोशन कर रहे हैं एक तरीके से। इट इनेबल चिल्ड्रन टू बी कॉम्प्रिहेंड, क्या वो बच्चों को समझने में आसानी होती है मदर टंग का यूज़ करने से। सो इसका अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सोच समझ कर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। आंसर फोर्थ इज द राइट आंसर, इट इनेबल चिल्ड्रन टू कॉम्प्रिहेंड, इससे बच्चों को क्या होती है, कॉम्प्रिहेंड करने में आसानी होती है, चीजों को समझने में आसानी होती है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि फनी इन्वायरमेंट क्रिएट करना, मदर लैंग्वेज का यूज़ करना, इन दोनों का कहीं से कहीं तक कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा है। चिल्ड्रन डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ मदर टंग का यूज़ करके आप उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की नीड होती है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत होगा, रीजनल लैंग्वेज का प्रमोशन करना भी गलत होगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन D। ओके, नेक्स्ट मूव टू द 23rd क्वेश्चन, व्हेन लैंग्वेज डेवलपमेंट इज डेलिब्रेटेड एंड कॉन्शियस एफर्ट लैंग्वेज इज। मतलब कि लैंग्वेज को आप डेलिब्रेट वे में सीखते हैं, मतलब डेलिब्रेटली किसी चीज़ को सीख रहे हैं या कॉन्शियसली सीख रहे हैं, तो वो लैंग्वेज को, उस लैंग्वेज को आप क्या कर रहे हैं, ब्रश्ड अप कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, या फिर हॉन कर रहे हैं। ओके, तो मतलब कि इसको हमें ईजी वे में इसको समझाऊं कि आपको बहुत इफ़ॉर्ट लगा रहे, बहुत मेहनत लगानी पड़ रही है लैंग्वेज को सीखने में। 2 टाइप की लैंग्वेज होती है, L1 और L2। आपको पता चल गया होगा कि L1 जो होती है हमारी नेचुरल लैंग्वेज जो होती है, यानी कि मदर लैंग्वेज जो हम हमारे घर वालों से सीखते हैं, आसपास के इन्वायरमेंट से सीखते हैं।
L2 लैंग्वेज जो होती है वो हमारी सेकेंड लैंग्वेज होती है, जिसके अंदर बोल सकते हैं कि हमें कॉन्शियस वे में चीज़ों को सीखना होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि अभी आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ रही है, अपना बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है इस चीज़ को सीखने के लिए, तो ये हमारी सेकेंड लैंग्वेज हो गई। ठीक है, तो जब भी आप इस टाइप का काम करते हैं कि डेलिब्रेटली कॉन्शियस वे में एफर्ट डाल के चीज़ों को सीखते हैं, तो आप लैंग्वेज को क्या कर रहे हैं? सो द राइट आंसर इज कि आप लैंग्वेज को क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ब्रश्ड अप करना। मतलब कि जब तक आप चीज़ों को सीखेंगे नहीं, आप उसको ब्रश अप कैसे करेंगे? ब्रश अप का मतलब होता है जैसे कि आपने अभी कोई भी चीज़ पढ़ ली, मान लो आज आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली और फिर बहुत टाइम बाद आप चीज़ों को देख रहे हैं, तो आपको पुरानी चीज़ें थोड़ी रिवाइज हो रही है कि हाँ कभी पहले हमने ये चीज़ें पढ़ी थी, तो आप क्या करें, ब्रश अप कर रहे हैं, उन चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, और लर्न करना मतलब कि सीखना। ठीक है, सीख रहे हैं हम चीज़ों को, इसका राइट आंसर क्या हो गया, लर्न करना। और थर्ड है एक्वायर करना। एक्वायर करने का हिंदी मीनिंग होता है कि अधिग्रहण करना। तो अधिग्रहण तो हम बचपन से ही कर रहे होते हैं चीज़ों को, तो हमने इंग्लिश तो नहीं करी बचपन से, तो थर्ड ऑप्शन हमारा गलत हो गया, फर्स्ट गलत हो गया। फोर्थ जो है वो है ऑन करना, मतलब कि चीज़ों को हम बोलते हैं ना कि रट रहे हैं चीज़ों को, मतलब कि नहीं याद हो रहा है फिर भी उनको रटने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जो हमें कष्ट दे रही है, ठीक है, हम चाहते नहीं है बट फिर भी हम अनचाहे मन से कर रहे हैं, तो होन भी नहीं होगा। सो द राइट आंसर इज टू। ठीक है, यानी कि चीज़ों को हम क्या करते हैं, लर्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीरिक्विजिट फॉर लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग के लिए इनमें से, यानी कि वन ऑफ द फॉलोइंग मतलब इनमें से क्या जरूरी है लैंग्वेज लर्निंग के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, लिस्ट ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज टू बी लर्न, मतलब कि हम एम्स और ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं, यानी कि उसके लक्ष्य जो हमने निर्धारित कर रखे हैं उनकी एक पूरा लिस्ट कर ले, उनको रिवाइज कर ले, क्या ये चीज़ ज़रूरी है। प्रोवाइड अ गुड टेक्स्ट बुक टू चिल्ड्रन टू लर्न द लैंग्वेज, उनको अच्छी टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करवा देना लैंग्वेज लर्निंग का एक बेस्ट वे है, एक उचित माध्यम है। या फिर यूजिंग स्ट्रक्चर सिचुएशन अप्रोच वाइल टीचिंग, क्या आप एक स्ट्रक्चर अप्रोच फॉलो करेंगे टीचिंग करते टाइम, या फिर चिल्ड्रंस मोटिवेशन टू लर्न दी लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताना है आपको कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है चिल्ड्रंस मोटिवेशन टू लर्न दी लैंग्वेज, क्योंकि सिर्फ आप एक लिस्ट बना के दे रहे हो कि आपको, या लाइक आपने एक सारणी बना दी समय सारणी की, इसमें आपको ये लैंग्वेज लर्न करना है, इस टाइप से कुछ करना एक लैंग्वेज लर्निंग का सही वे नहीं हो सकता है। एक टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करना भी सही वे नहीं हो सकता है। आपने एक टेक्स्ट बुक ले ली 9th 10th में, आपको हर साल आपको टेक्स्ट बुक मिलती है, सिर्फ उसको पाकर आप लैंग्वेज लर्न कर सकते हैं, नहीं। यूजिंग स्ट्रक्चर सिचुएशन अप्रोच, मतलब कोई स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं आप पढ़ाने की, क्या वो एक बेस्ट वे होता है? नहीं। अगर हो सकता है कि स्ट्रक्चर अप्रोच हो सकता है कि एक बेस्ट वे हो, बट उसमें ये दिक्कत है कि अगर चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, अगर वो ही मोटिवेट नहीं है तो आप बेस्ट वे अपना कर भी क्या करेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू चारों ऑप्शन में फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हमारे 24 का राइट आंसर हो गया फोर्थ। उसके बाद है 25th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज विल हेल्प टू ब्रेक डाउन कम्युनिकेशन बैरियर्स एंड इनेबल चिल्ड्रन टू स्टडी एंड लर्निंग बोथ L1 एंड L2। इनमें से क्या रिसोर्स हेल्प करता है ब्रेक डाउन, यानी कि तोड़ने के लिए? ठीक है, कम्युनिकेशन बैरियर, यानी कि कम्युनिकेशन बैरियर बोल सकते हैं कि जैसे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, हो सकता है हमें चीज़ें समझ नहीं आ रही है, हो सकता है कि हम समझ पा रहे हैं बट हमारा ध्यान नहीं है पढ़ने में, इस टाइप से बहुत सारे बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन के। एंड इनेबल चिल्ड्रंस टू स्टडी एंड लर्निंग बोथ L1 एंड L2, मतलब कि L1 एंड L2 को सीखने में कौन से रिसोर्स हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, मल्टीमीडिया, मल्टीलिंगुअल, कम्युनिकेटिव या मोर टेक्सुअल। तो इसका राइट आंसर होगा मल्टीलिंगुअल। जैसे कि एक चीज़ होती है मल्टीलिंगुअल के अंदर क्या होता है कि टीचर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है ऐसी स्टेज में फॉलो करना, स्टूडेंट्स को समझाना, स्टूडेंट की क्लास में पढ़ाना, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि क्लास में बहुत सारे मल्टीलिंगुअल होता है कि बहुत सारे लैंग्वेज बोलने वाले, बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले, एक क्लास में इतनी सारी भाषाएं बोलने वाले बच्चे बैठे होते हैं। आप खुद को इमेजिन करिए कि आप एक ऐसी क्लास में जा रहे हैं जहाँ पर बहुत सारी भाषा बोलने वाले बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, अब आप उनको पढ़ाना चाहते हैं तो आप कौन सी लैंग्वेज को फॉलो करेंगे? मतलब आप हिंदी बोलते हैं
सामने वाला स्टूडेंट मलयालम, कन्नड़, तेलुगू, तमिल अलग अलग भाषाएं बोलता है, तो आप क्या करेंगे दैट सिचुएशन में? तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है कि आपको उस सिचुएशन को हैंडल करके क्लास को मैनेज करना है. आज का जो आपने डिसाइड किया है टॉपिक, आज का जो आपका लेक्चर है, उसको पूरे कंप्लीट करना है. तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है. मल्टीलिंगुअल के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं कि आप स्टूडेंट को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना सिखाएंगे. उसमें सबसे पहले आपको वो सारी लैंग्वेज सीखनी होती है कि सबसे पहले आपको उन सारी लैंग्वेज का ज्ञान हो, फिर आप स्टूडेंट को एक दूसरे को सिखाएं कि इस तरीके से कम्युनिकेट करिए, उनकी अपनी अपनी मदर टंग का यूज़ कर सिखा सकते हैं. तो L1 एंड L2 को सारे कम्युनिकेशन जो बैरियर होते हैं उनका तोड़कर मल्टीलिंगुअल फ़ायदा करता है. ठीक है, तो सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 2. मल्टीलिंगुअल एक ऐसा रिसोर्स होता है जो सारे कम्युनिकेशन बैरियर को तोड़कर स्टूडेंट को L1 और L2 को लर्न करने में हेल्प करता है. ठीक है, साथ में सभी क्या करेंगे इसके अंदर कि सारे मदर टंग भी सीख जाएंगे. मदर टंग के साथ साथ जो दूसरे लोगों की जो लैंग्वेज है जिसमें वो नेटिव लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं वो भी सीख जाएंगे, L2 भी सीख जाएंगे, और अब उनकी मदर टंग को उन्होंने ऑलरेडी एक्वायर किया हुआ है, तो वो एक मल्टी टास्कर बन जाएंगे इन सारी लैंग्वेजेस को सीख कर. ठीक है, 26 क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज मेक डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन. इनमें से क्या फैक्टर है जो लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन में डिफरेंस क्रिएट करता है? देखिए, दो चीज़ें होती है, एक होता है लैंग्वेज लर्निंग और एक होता है लैंग्वेज एक्विजिशन. लैंग्वेज एक्विजिशन जो होता है जो हम अपने घर वालों से, इन्वायरमेंट से सीखते हैं, और लैंग्वेज लर्निंग वो होता है जो हम स्कूल में इंस्ट्रक्टर के थ्रू या किसी टीचर के थ्रू, कोचिंग क्लास के थ्रू सीखते हैं. ठीक है, लाइक हमें फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है तो हम किसी इंस्ट्रक्टर की हेल्प लेंगे, कोई एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेंगे. ठीक है, या फिर इंग्लिश ही सीखनी है तो हम इंस्टीट्यूट पर जाते हैं, स्कूल के टीचर की हेल्प लेते हैं, तो हम उन चीज़ों को लर्न कर रहे होते हैं. एक्वायर क्या करते हैं, हम ऑटोमेटिकली उनका अधिग्रहण कर लेते हैं. तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें से क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है, क्या ग्रामर ऑफ लैंग्वेज, क्या ग्रामर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर रही है कहीं से भी एक्विजिशन और लर्निंग के बीच में डिफरेंस? ठीक है, कहाँ से आएगा, क्या ग्रामर से आएगा? नहीं, सिर्फ ग्रामर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकती है. असेसमेंट इन लैंग्वेज, क्या लैंग्वेज का असेसमेंट इसके अंदर डिफरेंस क्रिएट करेगा? नहीं. टेक्स्ट बुक, क्या एक टेक्स्ट बुक लाकर आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं. लैंग्वेज इन्वायरमेंट, सो द लैंग्वेज इन्वायरमेंट इज द राइट आंसर, क्योंकि लैंग्वेज इन्वायरमेंट ही इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करेगा. क्योंकि इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट आएगा, एक्विजिशन करना है तो आप घर बैठे कर सकते हैं, घर पर अपने इन्वायरमेंट, घर पे आसपास के लोगों के थ्रू, और लर्न करना है तो आप स्कूल में सीखेंगे. मतलब दोनों जगह इन्वायरमेंट क्या है, अलग अलग है. तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लैंग्वेज इन्वायरमेंट. 27 क्वेश्चन है, अ फॉरेन या फिर नॉन मदर टंग लैंग्वेज, मतलब वो मदर टंग नहीं है, मदर टंग के अलावा दूसरी लैंग्वेज टीचर जो है, मतलब या फॉरेन या फिर नॉन मदर लैंग्वेज टीचर ऑफन फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ अ क्लास फुल ऑफ रिलक्टेंट अनमोटिवेटेड लर्नर, दिस कैन बी हेल्प्ड बाय. मतलब कि एक ऐसी टीचर है, उसने ये देखा है कि क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं वो रिलक्टेंट हैं, मतलब कि अनिच्छुक हैं, अनमोटिवेटेड हैं, मतलब कि वो नहीं चाहते हैं पढ़ना. ठीक है, आपने देखा होगा कि ऑफनली क्या होता है कि बहुत सारे टीचर जब भी क्लास में आ जाते हैं तो तीन चार दिन बाद छोड़ देते हैं कि नहीं, मुझे क्लास पढ़ानी नहीं है, मुझे यहाँ के स्टूडेंट नहीं जम रहे, नॉर्मली ऐसा होता है. तो इन दैट सिचुएशन आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, ये चार ऑप्शन में दिया गया है, आपको बताना है कि आप क्या फॉलो करेंगे. टेकिंग द हेल्प ऑफ एकेडमिक काउंसलर हु विल एड्रेस द क्लास, मतलब कि आप एक काउंसलर की हेल्प लेंगे जो आपको बताएगा कि आपको इस तरीके से फॉलो करना है या इस टाइप से कुछ. ठीक है, क्या आप एक एकेडमिक काउंसलर की हेल्प लेंगे कि मुझे कैसे क्लास को हैंडल करना है? ठीक है, यूजिंग मेथड एंड स्ट्रेटजी टू मोटिवेट एंड लर्निंग मोर चैलेंजिंग इन द क्लास, मतलब कि कुछ अलग अलग मेथड या स्ट्रेटजी बनाएंगे जिससे कि क्लास क्या हो, मोटिवेट हो जाए पढ़ने के लिए, सीखने के लिए. थर्ड ऑप्शन है आइडेंटिफाई द स्टूडेंट हु आर अनमोटिवेटेड इन टेकिंग अ स्पेशल क्लास फॉर देम. क्या आप पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्चुअली में इस क्लास में अनमोटिवेटेड बंदे कौन कौन है, अनमोटिवेटेड स्टूडेंट कौन कौन है, और फिर उनकी स्पेशल से क्लास लगवाएंगे? क्या वो इस तरीके से मोटिवेट होंगे, या फिर इनकरेजिंग लर्नर्स टू टेक देयर ऑन टाइम टू कम्प्लीट असाइनमेंट, यानी कि आप उनको
इनकरेज करेंगे किस चीज़ के लिए, पूरा पढ़िए इस ऑप्शन को, कि इनकरेज करेंगे कि आपको जितना टाइम लगता है उतने टाइम में असाइनमेंट करिए। लाइक आपने एक असाइनमेंट दिया है कि आपको चैप्टर वन के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे लर्न करके लाने हैं, तो वो नहीं कर रहे क्योंकि वो अनमोटिवेटेड है, रिलक्टेंट है, अनुच्छुक है, मतलब उनकी कुछ इच्छा नहीं है पढ़ने की। तो आप उनको बोलेंगे ठीक है, अगर आपको 10 दिन में करना है 10 दिन में करके लाओ, 20 दिन में करना है 20 दिन में करके लाओ। क्या आप ये वे अपनाएंगे? तो मैं इसका सही आंसर बता रही हूँ कि इसका सही आंसर क्या होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन टू, यूजिंग मेथड एंड डिफरेंट मेथड एंड अप्रोचेस लाएंगे ताकि क्लास हमारी जो है वो मोटिवेटेड हो जाए और बच्चे लर्निंग करना स्टार्ट कर दें। ओके, तो इसका राइट आंसर हो गया आंसर टू। 28 क्वेश्चन है हमारा, अ क्रिटिकल पीरियड ड्यूरिंग लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग के अंदर एक क्रिटिकल पीरियड होता है, तो वो क्या होता है वो आपको अभी बताना है कि द पीरियड विच लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड विथ ग्रेटर ईज दैट एनी देन एनी अदर टाइम। मतलब कि एक ऐसा पीरियड जहाँ पर लैंग्वेज को एक्वायर किया जाता है बेहतर आसानी के साथ, ग्रेटर ईज देन एनी अदर टाइम, मतलब कि एक ऐसा पीरियड जहाँ पर लैंग्वेज को एक्वायर किया जाता है आसानी से, है ना। ये बोल रहा है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। सेकंड है, द लेंथ ऑफ टाइम बिफोर अ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट टेक प्लेस इन क्लास। मतलब कि एक लेंथ ऑफ टाइम, मतलब कि एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट टेक प्लेस इन द क्लास। एक ऐसा पीरियड जहाँ पर आप चीज़ों को कॉम्प्रिहेंसिवली असेसमेंट कर सकते हैं, मतलब कि चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनका मूल्यांकन कर सकते हैं इस तरीके से। या फिर थर्ड ऑप्शन है, बेस्ट प्रिपरेटरी पीरियड फॉर एनी लैंग्वेज प्रोजेक्ट। मतलब कि एक ऐसा पीरियड जहाँ पर आप कोई भी लैंग्वेज प्रोजेक्ट को लर्न कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है, स्पेशल टाइम असाइड फॉर स्टूडेंट टू इंटेंसिवली प्रैक्टिस लैंग्वेज यूज़। तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से क्या सही होगा क्रिटिकल पीरियड के लिए। देखिए, आपने एक चीज़ सुनी होगी कि जब भी आप लैंग्वेज लर्न करते हैं तो एक ऐसा पीरियड आता है जिसके बाद आपकी जो सीखने की क्षमता जो होती है पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है। तो जैसे आपने देखा होगा कि जो चाइल्ड, जो बच्चा होता है, वो 10 से 12 साल तक की उम्र तक उसका माइंड बहुत अच्छा शार्प चलता है, जिसमें आप उसे जो भी सिखाना चाहें बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी बच्चा सीख जाता है, ठीक है। और उसके बाद का जो टाइम होता है उसमें उसको सीखने में थोड़ी दिक्कत होती है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं अपन, बहुत अच्छा सा, कि एक स्पेन का बच्चा है, ठीक है, स्पेन का या अमेरिका का कहीं का भी एक बच्चा है जिसका जन्म मान लीजिए इंडिया में हुआ है, मतलब उसके पेरेंट्स वहाँ के हैं और उसका जन्म इंडिया में हुआ है। अब वो उसका जब जन्म हुआ वहाँ से लेकर 5 से 7 साल तक वो इंडिया में ही रहा है। हो सकता है कि उसके पेरेंट्स की जॉब यहाँ पर हो या कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से वो इंडिया में है 5 से 7 साल तक, ठीक है। तो अब उसने क्या है कि उसने हिंदी भाषा सीख ली, मतलब कि उसके जो कम्युनिकेट करते हैं लोग उसके आसपास के सभी हिंदी में ही करते हैं, उसके घर वाले भी हिंदी में ही करते हैं। अब वो जा रहा है 5 से 7 साल बाद, अब उसका हुआ है कि अब उसे वापस जहाँ का वो है मतलब अमेरिका का है, तो उसे अमेरिका जाना है। अब उसको अमेरिका जाकर वहाँ पर से फिर से सभी लोग, वो देखता है कि वहाँ पर सब इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करते हैं, टोटल जितनी भी बातें होती है वहाँ की इंग्लिश में ही होती है, बिकॉज़ वो उनकी नेटिव लैंग्वेज है। जैसे हमारे यहाँ पर हिंदी है तो वहाँ पर इंग्लिश उनकी नेटिव लैंग्वेज है। तो दैट टाइम पर आप कैसे, मतलब वो बच्चा किस तरीके से सीखेगा, जैसे हम लोग अभी हैं वैसे वो भी वहाँ का हो गया, मतलब कि उसका इन्वायरमेंट उसको अफेक्ट कर रहा है, उसका जो जन्म है जैसे कि वो अमेरिका का है तो वो चीज़ें उसको अफेक्ट नहीं करती, वो जहाँ उसने सीखा है वो वाली चीज़ उसको अफेक्ट करती है। तो अगर वो वहाँ जाकर भी सीखता है तो उसे भी उतना ही टाइम लगेगा जितने एक नॉर्मल इंसान को वहाँ जाकर सीखने में लगता है, ठीक है। तो क्रिटिकल पीरियड ये होता है कि इसका राइट आंसर है आंसर वन, द पीरियड विच लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड विद ग्रेटर ईज देन एनी अदर टाइम। मतलब कि अगर आपने इस पीरियड में अच्छे से लैंग्वेज को सीख ली, मतलब कि आपका एक पीरियड बना दिया गया है कि 0 से 12 साल का या 11 साल का, इस पीरियड में आपने जो भी चीज़ें अच्छे से सीख ली वो सीख ली, अगर इसके बाद आप सीखते हैं तो आपको चीज़ों को समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये क्रिटिकल पीरियड होता है जहाँ पर हम चीज़ों को अच्छे से और आसानी से लर्न कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर टाइम। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि अभी आप जब भी क्वेश्चन आंसर याद करते हैं तो आपको पहले एक मिनट में सारी चीज़ें याद हो जाती थी, पूरा क्वेश्चन याद हो जाता था एक बार पढ़ के, बट आपको क्या करना होता है, अब 2 से 3 बार चीज़ों को पढ़ना होता है तब हमें वो चीज़ें लर्न होती है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो गया हमारा आंसर वन।
29 क्वेश्चन देख लेते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन, यहाँ पर पूछा गया है कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है। इट इज़ अ मेमोराइजेशन एंड यूज़ ऑफ नेसेसरी वोकेबलरी। क्या मेमोराइज करना नेसेसरी वोकेबलरी को ये लैंग्वेज एक्विजिशन होता है? देखिए, एक बार मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी लैंग्वेज एक्विजिशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने की, कि कहीं पर भी एक्विजिशन का मतलब समझ लीजिए कि अधिग्रहण करना। और अधिग्रहण हम ऑटोमेटिक करते हैं अपने घर वालों के थ्रू, हम आसपास के इन्वायरमेंट से समझते हैं। तो कहीं भी वहाँ पर वोकेब का नाम आ जाए तो वो ऑप्शन हमारा कट हो जाएगा, या फिर इंस्ट्रक्टर या फिर टीचर का नाम आ जाए वो भी कट हो जाएगा, क्योंकि हमने तो इन्वायरमेंट से सीखी, हमने वोकेबलरी थोड़ी सीखी है लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए, हमने टीचर की हेल्प नहीं ली है, हम ऑटोमेटिक सीख गए। तो वोकेब जैसे ही आ जाए उसको काट दो, टीचर जैसे ही आ जाए उस ऑप्शन को, जैसे ही ग्रामर या फिर ग्रामर भी आ जाए तो आप उसको काट सकते हैं, क्योंकि हमने एक्वायर किया है, हमने ग्रामर को लर्न नहीं किया, हमने वोकेबलरी को लर्न नहीं किया है, हमने टीचर की हेल्प नहीं ली, हमने इंस्ट्रक्टर की हेल्प नहीं ली, हमने एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाले हैं, हमने एक कॉन्शियस वे में इन चीज़ों को नहीं सीखा है। क्योंकि हम जब भी एक्वायर करते हैं, एक्विजिशन करते हैं यानी कि अधिग्रहण करते हैं, तो हम कैसे करते हैं, हम उसको ऐसे करते हैं सब कॉन्शियस वे में, ठीक है। ये चीज़ भी आप याद रख सकते हैं कि लैंग्वेज का एक्विजिशन कैसे किया जाता है, सब कॉन्शियस वे में, मतलब कि अंतःचेतना की भावना से ऑटोमेटिकली हम कर लेते। और लैंग्वेज को जब हमें लर्न करना होता है तब हम कैसे करते हैं, कॉन्शियस वे में करते हैं, ओके। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे कि ये बोल रहा है कि वोकेबलरी, तो ये हमारा कट हो गया। सिस्टमेटिक अप्रोच ऑफ वोकेबलरी, ये भी हमारा कट हो गया। एक बार हम पूरे पढ़ेंगे, बट अभी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन को हम इजीली कट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि लर्निंग अ नेटिव सोशल लैंग्वेज इनेट कैपेसिटी, मतलब कि उसके अंदर की इनबिल्ट कैपेसिटीज़ को अभी रोक लेते हैं। इट इज़ अ टेक्निक इंटेंडेड टू सिमुलेट टू इन्वायरमेंट इन विच चिल्ड्रन लर्न देयर नेटिव लैंग्वेज, ठीक है। अब इन दोनों में हमें देखना है, क्योंकि वोकेबलरी वाले हमने दोनों पार्ट काट दिए। एक बार वो पूरे ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि इट इज़ मेमोराइजेशन एंड यूज़ ऑफ नेसेसरी वोकेबलरी, क्या हमें वोकेबलरी को याद करना पड़ता है? नहीं। इन्वॉल्व सिस्टमेटिक अप्रोच टू एनालिसिस एंड कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ ग्रामर एज वेल एज टू मेमोराइजेशन ऑफ वोकेबलरी, क्या हमें ग्रामर और वोकेबलरी को सिस्टमेटिक वे में सीखना होता है, लाइक स्टेप बाय स्टेप सीखना होता है? नहीं, लैंग्वेज एक्विजिशन में हम ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं कि इट इज़ द टेक्निक इंटेंडेड टू सिमुलेट द इन्वायरमेंट, मतलब कि हमें स्पेशली एक टेक्निक, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा कि जहाँ पर बच्चे को हम नेटिव लैंग्वेज सिखा सकें। मतलब कि जब हमने एक्विजिशन के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि ऑटोमेटिकली स्टूडेंट क्या होता है कि जो एक बच्चा होता है वो ऑटोमेटिकली चीज़ों को एक्वायर कर लेता है, हमें उसके लिए स्पेशली कोई काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आपने देखा है कि एक बच्चे का बोर्न होता है तो आप ऐसा नहीं सोचते हैं कि नहीं इसके सामने ये बात मत करो, नहीं ये नहीं, ऐसा नहीं। नॉर्मली वो चीज़ों को ऑटोमेटिकली खुद से सीख जाता है हमें सुन सुन कर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, रिफर टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग नेटिव और सोशल लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। एक वैज्ञानिक थे चॉम्स्की, उन्होंने बोला था कि जब बच्चे का बर्थ होता है, चॉम्स्की, ठीक है, नाम याद रखिएगा, कि चॉम्स्की ने बोला था कि जब भी एक बच्चे का जन्म होता है तो उसके अंदर एक ऐसी, जिसे हम बोलते हैं ना कि एक ऐसी कैपेसिटी होती है, उसके अंदर ऐसी चीज़ होती है कि वो जैसे कि थोड़े बहुत वर्ड तो सीखता है बट उसके अंदर सेंटेंस को फॉर्म करने की क्वालिटी इनबिल्ट होती है। जैसे कि एक सेंटेंस बोलते हैं हम कि मुझे खाना खाना है, ठीक है, तो आप बच्चे को ये नहीं बोलते हो कि क्या तुझे खाना खाना है, आप इन शॉर्ट बता देते हो कि उसे खाने का इशारा करके बता देते हो कि खाना, तो वो समझ जाता है कि ये खाने के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली सेंटेंस वो खुद फॉर्म करता है, आप उसको ऐसे सेंटेंस फॉर्म करना नहीं सिखाते हैं कि खाना खाना है तो आपको ऐसे बोलना पड़ेगा कि मुझे खाना खाना है, आप बच्चे को ऐसे सिखा रहे, नहीं, वो खुद ब खुद ऐसा, चॉम्स्की ने बताया कि भगवान की देन होती है उसके अंदर कि वो ऑटोमेटिकली सेंटेंस को फॉर्म कर पाता है। तो इसका जो आंसर है वो उसी से कनेक्टेड है कि इनेट कैपेसिटी होती है ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन ब्रेन के अंदर, कि वो इजीली लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है, ठीक है। तो ये हमारा 29 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद है 30 क्वेश्चन, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल, मतलब कि प्राइमरी लेवल पर इंग्लिश को टीच करने का, इंग्लिश को पढ़ाने का लक्ष्य क्या होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है स्पीकिंग इंग्लिश इन द ब्रिटिश एसेंट, क्या इंग्लिश को ब्रिटिश एसेंट में, ब्रिटिश भाषा में सिखाकर आप उसका जो लक्ष्य है उसको पूरा कर रहे हैं इंग्लिश को।
सेकेंड है स्कोरिंग गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम. आपका पर्पस ये है कि मुझे कैसे भी करके इंग्लिश में कैसे भी करके मुझे इस स्टूडेंट को इंग्लिश में अच्छे मार्क्स दिलाकर रहने. लाइक आपका टारगेट है कि 100 में से सभी बच्चों के 90% आना चाहिए. क्या ये इंग्लिश के जो उस टीचिंग को फुलफिल करता है क्राइटेरिया को, या फिर यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ, मतलब उसको आप इंग्लिश ऐसे सिखाइए जो उसकी डिफरेंट डिफरेंट जो सिचुएशन है लाइफ की उसमें काम आ जाए, या फिर नोइंग द ग्रामर ऑफ इंग्लिश, क्या सिर्फ उसे ग्रामर सिखा देंगे. लाइक कोई भी एक बुक ले लीजिए नॉर्मल लुइश की, या फिर जितनी भी बुक्स चलती है ग्रामर की, उसे पकड़ा दीजिए कि देख लो ग्रामर इसमें से पढ़नी है, ये तुम्हारे आगे काम आ जाएगी. क्या पर्पस होना चाहिए, क्या लक्ष्य होना चाहिए इंग्लिश को टीच करने का? तो इसका राइट आंसर है यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ. ठीक है, कि आप इंग्लिश को डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में कैसे यूज करना है ये उसे सिखाएंगे. तो 30 क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3. 31 क्वेश्चन देख लेते हैं. लर्निंग टू स्पीक इन सेकेंड लैंग्वेज डजंट इन्वॉल्व, मतलब कि जब भी आप स्पीक करते हैं सेकेंड लैंग्वेज को, उसके अंदर क्या इन्वॉल्व नहीं होता है, क्या शामिल नहीं होता है. सेकेंड लैंग्वेज ग्रामेटिकल नॉलेज, इट्स प्रोनंसिएशन, थर्ड है कल्चरल, या फिर थ्योरिटिकल नॉलेज. तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए, कि उसमें थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होता है. तो इसका सही आंसर होगा 4th. और क्यों नहीं होता है वो भी मैं आपको भी एक्सप्लेन करती हूँ, कि इसमें पूछा है कि स्पीक, सिर्फ स्पीक के बारे में पूछा है. कि जब भी जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए कि आपने एक वो क्लासेस ज्वाइन करी है जहाँ पर आपको इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है, स्पीकिंग कोर्स होते हैं ना, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, तो उसमें किसके ऊपर फोकस नहीं किया जाता, उसमें थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर फोकस नहीं किया जाता, क्योंकि आपको अब सिखा रहे हैं, क्योंकि ये तो पहले सिलेबस में होना चाहिए था कि आपको इंग्लिश को डिफरेंट डिफरेंट लाइफ में कैसे यूज किया जाता है. बट हमारा जो सिलेबस होता है वो फोकस करता है सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट के ऊपर, कि आप ये क्वेश्चन आंसर रट लीजिए, ग्रामर के ये रूल्स रट लीजिए, जो जिसकी वजह से आप एग्जाम को पास कर लेते हैं. तो उसके लिए अब हमें जब नीड लग रही है हमारी रियल लाइफ में, कि हमारी जॉब लग जानी चाहिए, तो इसके लिए अब हमें क्या हो रहा है कि स्पीकिंग कोर्सेज ज्वाइन करने पड़ रहे हैं, क्लासेस लेनी पड़ रही है इंग्लिश को सीखने के लिए, कि इंग्लिश कैसे बोली जाती है. ठीक है, तो जब हम इस टाइप की लैंग्वेज सीखते हैं इन सब के थ्रू, तो उसके अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर फोकस नहीं किया जाता, उसके ऊपर फोकस किया जाता है दैट टाइम जो कि स्कूल में करना चाहिए था, वो अब हम स्पीकिंग कोर्सेज में सीखते हैं, कि ग्रामेटिकल नॉलेज, मतलब कि हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ किस किस टाइप के सेंटेंस यूज़ किए जाते हैं, कैसे सेंटेंस का, कैसे शब्दों का प्रोनंसिएशन किया जाता है, कैसे कल्चर, जितनी भी हमारी लाइफ की बेसिक जितनी भी चीज़ें होती है उसमें किस तरीके से यूज़ किया जाता है. तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, कि थ्योरेटिकल नॉलेज पर इतना फोकस नहीं किया जाता है. ठीक है, मोटिवेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन लर्निंग इंग्लिश, फॉर एग्जाम्पल इन क्लास 6 इट मे बी डन, मतलब कि एक क्लास 6 थे उसको आपको मोटिवेट करना है, तो आप किस तरीके से करेंगे वो आपको ये 4 ऑप्शन देखकर बताने हैं. मेमोराइजेशन एंड यूज ऑफ नेसेसरी वोकेबलरी, क्या आप नेसेसरी वोकेबलरी सिखा देंगे, क्लास 6 की बात हो रही है, क्लास 6 में क्या आप वोकेबलरी सिखाकर लैंग्वेज को लर्न करवाएंगे, या फिर सिस्टमेटिक एनालिसिस एंड यूज़ ऑफ स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर वगैरह सिखाकर आप लैंग्वेज लर्न करवाएंगे, यूज़ ऑफ विजुअल डिवाइसेस एंड गेम्स लाइक एक्सरसाइज, क्या उनको विजुअल डिवाइसेस के थ्रू जैसे कि प्रोजेक्टर हो गया, कंप्यूटर पे आप सारी चीज़ें सिखा रहे हैं, और गेम्स लाइक एक्सरसाइज लाइक स्टोरी टेलिंग मेथड, या बहुत सारे गेम्स होते हैं जिसकी वजह से हम लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं, उसके थ्रू आप लैंग्वेज लर्न करवाएंगे. यूज ऑफ मदर टंग एज अ मीडियम, तो आपको बताना है कि आप क्या करेंगे. ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर थ्री, यूज ऑफ विजुअल डिवाइसेस एंड गेम लाइक स्ट्रक्चर. इसमें आप विजुअल डिवाइसेस और गेम का इस्तेमाल करेंगे लैंग्वेज को सिखाने के लिए. ठीक है, मदर टंग का यूज कर सकते हैं, बट एक लिमिट में, क्योंकि अगर बीजी से जूनियर लेवल पर जो वो छोटे बच्चे होते हैं उनको सिखाने के लिए आप मदर टंग का यूज कर सकते हैं, बट एक लेवल के बाद आप इसका यूज नहीं करेंगे. अगर आप इसका यूज करते हैं तो बच्चे इसके आदि हो जाएंगे, और वो इंग्लिश में जब कोई भी चीज सीखेंगे तो उन्हें हिंदी की जिसे बोल सकते कि बैसाखी की जरूरत होती है, वैसे उन्हें हिंदी की नीड लगेगी कि नहीं, इंग्लिश में सीखने से पहले हमें उसका एक बार हिंदी में अनुवाद चाहिए, या हिंदी में हम पहले सीखेंगे उसके बाद ही हमें इंग्लिश में लर्न होगा. ठीक है, तो हमें बच्चों की ऐसी आदत नहीं डालनी है कि उन्हें सारी चीजें हिंदी में सिखाने के बाद ही इंग्लिश में याद हो. ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा यूज ऑफ विजुअल डिवाइसेस एंड गेम लाइक एक्सरसाइज. आप इन सब का यूज करके उनको मोटिवेट कर सकते हैं एक लैंग्वेज को लर्न करने के लिए.
चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। 33 क्वेश्चन है, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज आफ्टर पुबर्टी लीड्स टू ब्लैंक ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, यानी कि एक क्रिटिकल पीरियड की बात हो रही है यहाँ पर। इसको हिंदी में बताऊँ मैं आपको कि एक पुबर्टी यानी कि एक युवा अवस्था के बाद अगर आपको कहा जाए कि अब आपको फॉरेन लैंग्वेज लर्न करनी है, ठीक है, न्यू लैंग्वेज मतलब फॉरेन लैंग्वेज आपके लिए बिल्कुल नई है, और एक आपका वो क्रिटिकल पीरियड निकल गया। मैंने आपको बताया था कि क्रिटिकल पीरियड क्या होता है, कि जब आपकी एक ऐसी एज होती है जहाँ पर आप बिल्कुल आसानी से चीज़ों को लर्न कर लेते हैं। इसके लिए मैंने आपको एक स्पेन वाला एग्जाम्पल दिया था अभी, कि अगर बच्चा स्पेन का यहाँ पर है तो उसको भी उतना ही टाइम लगेगा जितना हमें वहाँ जाकर वो लैंग्वेज सीखने में लग रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर है कि एक अवस्था, युवा अवस्था के बाद अगर आप कोई नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, डिफ़िकल्टी इन एक्विजिशन, आपको डिफ़िकल्टी आएगी एक्वायर करने में उसको, या आप नॉर्मली एक्वायर कर लेंगे, या फिर आप उसमें ग्रेटर मास्टरी ही कर लेंगे, या फिर लॉस ऑफ मास्टरी। तो आप बताइए कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा डिफिकल्टी इन एक्विजिशन। एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज मतलब कि एक युवा अवस्था के बाद, बड़े होने के बाद यदि आप फॉरेन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं क्रिटिकल पीरियड निकल जाने के बाद, तो आपको कर तो लेंगे, आप समझ तो लेंगे, बट थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब आपको क्या आएगी, डिफिकल्टी आएगी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन वन। नेक्स्ट है हमारा 34 क्वेश्चन, अ स्पेशल नीड्स लर्निंग लैंग्वेज क्लासरूम, अ स्पेशल नीड लैंग्वेज क्लासरूम इज आइडियली, मतलब कि क्लासरूम कैसे होना चाहिए, आइडियली हैज़ एक्स्ट्रा टीचर्स टू हेल्प रेगुलर क्लासेस, मतलब कि हमें एक्स्ट्रा टीचर की नीड होती है जो रेगुलर क्लासेस ले, या फिर एक्सक्लूसिवली फर्निश्ड, वो क्लासेस एक्सक्लूसिवली फर्निश्ड होनी चाहिए, लोकल सेपरेटली, क्या वो सेपरेट क्लासेस होना चाहिए, पर्टिकुलर पर्टिकुलर सेपरेट सेपरेट क्लासेस हो जाए, या फिर इंटीग्रेटेड ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर्स, ठीक है। तो आप बताइए मुझे कि इसका सही आंसर क्या होगा। आइडियली क्लासरूम कैसा होना चाहिए, आइडियली होना चाहिए जहाँ पर इंटीग्रेटेड ऑल टाइप ऑफ लर्नर, मतलब जितने भी टाइप के स्टूडेंट्स हैं सभी एक साथ बैठे हो, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग प्रवृत्ति के, ताकि एक टीचर क्या है उनको सभी बच्चों को अच्छे से कम्युनिकेट करना भी सिखा दे, और उनमें जो भावना होती है भेदभाव वाली वो भी खत्म हो जाए, जिससे क्या होगा एक बेहतर भविष्य का निर्माण होगा उनके, ठीक है। तो आइडियली कैसी क्लास होनी चाहिए जिसमें सारे लर्नर्स इंटीग्रेटेड हो, मतलब सब साथ हो। 35 क्वेश्चन है आज का, अ हिंदी स्पीकिंग टीचर गेट्स पोस्टेड इन अ प्राइमरी स्कूल विच इज सिचुएटेड इन अ रिमोट एरिया, मतलब एक हिंदी स्पीकिंग टीचर है उसको एक ऐसे रिमोट एरिया में डाला गया है जहाँ पर डजेंट नो द लोकल लैंग्वेज ऑफ द एरिया, जहाँ की वो लोकल लैंग्वेज को नहीं जानती है। शी फेसेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम शी शुड, उसे क्या करना चाहिए। एक बार मैं पूरा क्वेश्चन बता रही हूँ आपको। एक हिंदी स्पीकिंग टीचर है, उसको प्राइमरी स्कूल में डाला गया है एक रिमोट एरिया में, जहाँ पर वो, जहाँ की वो लोकल लैंग्वेज नहीं जानती, मतलब आप ऐसा समझिए कि अब आपकी जॉब लगने वाली है, कुछ ही टाइम बचा है बस आपकी एग्ज़ाम होने को, उसके बाद आपकी जॉब लग जाएगी, तो उस सिचुएशन में आपको एक ऐसे रिमोट एरिया में डाला गया है जहाँ की लोकल लैंग्वेज को आप नहीं जानते हैं, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होनी उस सिचुएशन में, तो इन दैट सिचुएशन आप क्या करेंगे, ठीक है। What should you do in that situation? Focus on the textbook as a source of standard Hindi. मतलब कि आप एक focus करेंगे जो कि standard Hindi, और उन सबको बोलेंगे कि सभी को हिंदी में ही पढ़ा देंगे, या फिर use of children's language as a resource while teaching. आप child है कि child's language, आप बच्चों की language का use करेंगे as a resource जब आप पढ़ा रहे होंगे, या फिर encourage the community. आप कम्युनिटी को इनकरेज करेंगे कि वो भी हिंदी सीख ले, और सब मिलकर हिंदी में ही पढ़ाई करवाएं, या हिंदी में ही पढ़ें, बच्चों को भी हिंदी में ही पढ़ाएं, ठीक है। उसके बाद है ट्राई टू गेट पोस्टेड टू अ हिंदी स्पीकिंग एरिया, क्या आप अपने आगे की अथॉरिटी को बोलेंगे कि ये मुझे सूट नहीं हो रहा है, कृपया आप मुझे जहाँ पर हिंदी बोली जाती है उस एरिया में पोस्ट करिए, ठीक है। तो इस चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, आप खुद को ऐसा इमेजिन करिए कि आप इस ऐसी सिचुएशन में फंस गए, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो इसका राइट आंसर है यूज द चाइल्ड्स लैंग्वेज एज अ रिसोर्स वाइल टीचिंग, मतलब कि बच्चे जिस जिस लैंग्वेज में बोल रहे हैं आप उसका यूज करिए, और उस लैंग्वेज के थ्रू आप टीच करवाइए, ठीक है।
फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते। जब आपको जहाँ पोस्ट किया गया, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप वहाँ पर पढ़ाएं, और जितने भी हर्डल, जितने भी बैरियर, जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सब प्रॉब्लम को फेस करके अपना बेस्ट दें, ठीक है। 36 क्वेश्चन है, द सेकेंड लैंग्वेज क्लासरूम इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ अ वेरिड लैंग्वेज, टीचर शुड गिव देयर स्टूडेंट। मतलब एक सेकेंड लैंग्वेज क्लासरूम है जहाँ पर अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जा रही है। सेम क्वेश्चन है, बस उसका टोन थोड़ा सा चेंज हो गया। जहाँ पर अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जा रही है, टीचर शुड गिव देयर स्टूडेंट, मतलब कि टीचर को स्टूडेंट को टीचर कैसे क्या करेगा इन दैट सिचुएशन। एडिक्वेट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट्स उनको बोल देगा कि आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना लीजिए, क्योंकि बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले बच्चे हैं, मैं अकेली कैसे इन सब भाषाओं को बोलने वाले बच्चों को पढ़ाऊं, ठीक है। तो आपने स्टूडेंट को यही कह दिया कि तुम अपने अपने हिसाब से नोट्स बना लो, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट ये कह रहा है। सेकंड ऑप्शन है समराइज एंड सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ टेक्स्ट, मतलब समराइज और सिंप्लीफाइड वर्जन में आप जो पढ़ाना चाहते हैं उसे पढ़ा देंगे, या फिर कंफर्टेबल इन्वायरमेंट टू डेवलप रिक्वेस्टिव स्किल, उनके लिए कंफर्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे जिससे वो जो आप पढ़ाना चाहते हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ पाए, या फिर वर्कशीट विद अ वैरायटी ऑफ टास्क वाइल कन्वर्टिंग द सिलेबस। एक वर्कशीट बनवा देंगे जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टास्क दे देंगे जो कि सिर्फ सिलेबस को कवर कराने का पर्पस पूरा करेगी। तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से सही क्या होगा। तो इसका सही आंसर है कि कंफर्टेबल इन्वायरमेंट टू डेवलप रिक्वेस्टिव स्किल्स, उनके लिए आप एक ऐसा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट बनाएंगे जिससे जो आप डिलीवर करना चाहते हैं रिक्वेस्टिव स्किल वो उसको अच्छे तरीके से सीख जाए। सो द राइट आंसर इज आंसर नंबर 3। ओके, तो चलिए हमारे यहाँ से दो सेशन में 1 से लेकर 36 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं अभी इसमें आई थिंक 15 क्वेश्चन और हैं, वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।